स्वामी जी क्या कहेंगे जिस प्रकार से अभी कानपुर की जो घटनाक्रम को लेकर के बाबा जो योगी सरकार की जो बुलडोजर सरकार है लगातार चर्चा में रहा करती थी, लोग भयभीत हुआ करते थे, बुलडोजर डर के भाग जाया करते थे, आज वही बुलडोजर जो है न्याय के प्रतीक माने जाने वाला था आज उस पर ही सवाल उठने लगे हैं। देखिए पहले तो एक जाति को समीकरण बना के बुलडोजर चलता था मुस्लिम पर, हाँ, फिर यादव पर टारगेट किया गया, लेकिन सबसे ज़्यादा दुर्भाग्य की बात है जो सबसे ज़्यादा समर्थक ब्राह्मण भाजपा का बोला जाता है, हाँ, और उस ब्राह्मण परिवार पर जिस तरह से योगी, हाँ, का क्या लेन देन है कि जब से योगी सरकार आ रही है 3000 ब्राह्मणों पर अटैक करके उनका हत्या कराया गया, कई तरह उनको आपराधिक दंड देकर उनको सजा देकर इनकाउंटर भी कराया गया, हाँ, कुछ वो तो हद हो गया। कानपुर की दुर्घटना सुन कर भी भय से अपना शरीर काम जाता है, ये आत्मीय दुर्घटना नहीं है, ये जिस तरह से सोजा समझा साजिश, बुलडोजर बाबा की एक आवाज़ नहीं निकली, इस पर एक चर्चा तक नहीं की। नहीं, कार्रवाई तो कर दी है, बताया जा रहा है कार्रवाई कर दी है, ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है और डीएम को बर्खास्त कर दिया है। सुनिए, ये कार्रवाई एक लीपापोती उनका है, हाँ, क्यों ऐसा काम करते हैं आपको संज्ञान में लेकर, जब बुलडोजर जब बाहबाई लूटने के लिए था बुलडोजर बाबा बन जाते हो, एक ब्राह्मण की बेटी और एक उसका होने वाला शादी है उसकी माँ, ऐसा आप दर्दनाक घटना करने पर मजबूर कर दिए कि वो आत्महत्या कर अपने को राख और खाक में मिला दिए, हाँ। इस धरती पर एक धर्म की बात करते हो, राष्ट्र में हिंदू राष्ट्र की बाबा भगवाधारी की बात करते हो, हिंदू राष्ट्र की कल्पना करते हो, और हिंदू प्रमुख जो होते हैं ब्राह्मण को सर्वोपरि माना जाता है, सब जातों में उत्तम जात माना जाता है, जिसका हम लोग सम्मान करते हैं, उस ब्राह्मण कुल की बेटी को जिस तरह से आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया गया, एक ऐसा बाबा है। आप देखिए ना, कल तक जो ताली पीटा करते थे सरकार के लिए, बुलडोजर बाबा की सरकार के लिए कल तक जो तालियां पीटा करते थे, आज वही तालियां पीटने वाले छाती पीट रहे हैं। देखिए बुलडोजर बाबा जिस तरह से जब से आए हैं, हाँ, तब से ब्राह्मण का उनका अटैक हो रहा है, लेकिन ब्राह्मण हमारे भाई नहीं समझ पा रहे हैं कि बुलडोजर बाबा को वो लोग समर्थन देते जा रहे हैं, वो भगवा पहनकर जिस तरह से अपना गुरु गद्दी छोड़कर अब राज गद्दी में आ गए हैं, हाँ, जिस परिवेश में आ गए हैं, सबका साथ सबका सहयोग की बात करते हैं, तो टारगेट धर्म जाति की राजनीति कर विक्षुब्ध कर दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश जैसा महान पवित्र भूमि, सभी धर्मों के लोग जहाँ पूजे जाते हैं और सबको एक सूत्र में बांधकर देश के पहले अग्रिम सीमा में रखा गया, जो उत्तर प्रदेश कहा गया, उत्तम प्रदेश कहा गया, आज हम उत्तर प्रदेश के इस धरती को क्या कहूँ, जिसको नमन की धरती कहा जाता था, जहाँ शिव जी हैं और जहाँ पर बड़े बड़े पराक्रमी साधु संत सनातन का समागम होता है। लेकिन योगी सरकार जो है लगातार ये दावा देते हैं कि हमारी सरकार जो है जीरो टॉलरेंस फ्री सरकार है, अपराध मुक्त सरकार है, कोई अपराध नहीं होता हमारी सरकार में। आप सबसे ज्यादा योगी सरकार में कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और सबसे ज्यादा बेटियों के साथ दुराचार, और खुद भाजपा के लोग, भाजपा के विधायक, भाजपा के पूर्व मंत्री सेंगर जैसा विधायक बेटी का रेप करता है, उसको मजबूर कर उसको मार दिया जाता है, जला दिया जाता है, वहाँ उत्तर प्रदेश में कई हमारे एससी की बेटियों को दुराचार करने के बाद यही भाजपा के नेता जिस तरह से चिन्मयानंद जैसा मसाज करवाता है, बेटियों के साथ रेप करता है, उसको बाहर करके सम्मान दिया जाता है, सेंगर जैसे विधायक को बाबा का भेष में कई नेता सांसद जाके मिलते हैं उससे, वहाँ किसानों पर गाड़ी चढ़ा देने वाले अपना इस्तीफा नहीं देता है, अजय टेनी जैसा उसका बेटा को एसआईटी रिपोर्ट आ जाता है कि इतने किसानों पर गाड़ी चढ़ाया, मौत के कागार पर ले गया, मौत किया, उस पर चढ़ाकर मार दिया, जान ले लिया किसानों को, उस तक को माफ़ करने वाली सरकार वो क्या न्यायपालिका की बात करेगी, जहां न्याय से रातों दिन खेला जाता है, एक जात को टारगेट बनाकर वहां अपनी छवि बना रहा है कि हम एक ही जात मुस्लिम जात है जो अपराध करता है, यादव जात है अपराध करता है, अपराधी कहां है, किस जात में, ब्राह्मण को अपराधी बना दिया उत्तर प्रदेश में, जो ब्राह्मणों का एक उत्तर प्रदेश में सम्मान करते कह रहे हैं अपराधी जो है थरथर कांपता है योगी सरकार में। पता नहीं योगी जी की सरकार में कौन सा अपराधी है और कौन अपने बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिली हन कोई, जब मैं बुरा देखियो हमसे बुरा न हो, एक उंगली उठाते हैं आप पर तो तीन इंडिकेशन करता है कि आप सबसे बुरा हो,
पहले योगी जी अपने चरितार्थ का कई केसेस था उनके पर, हाँ। कई तो ऐसा अपराध था जो सीएम बनने के बाद सारा चरितार्थ उनका, जो भाजपा वही है पार्टी जिसमें आप जितना भी अपराध किए हो भाजपा में ज्वाइन कर लो, अपराध मुक्त हो जाओगे। गंगा जल लेके चलते हैं उनके पार्टी के लोग, आरएसएस के लोग, कि आओ चाहे गौ मांस खाते हो तो भी आ जाओ आरएसएस भाजपा में, तो आपको प्रभुत्व हिंदू का तगमा दे दिया जाएगा। आप इस तरह का कुथित मानसिकता का जो ब्राह्मण विरोधी सरकार भाजपा की है, और ब्राह्मण इस तरह से लुप्त होकर उस भाजपा का जयकारी थाली ताली पीटते हैं, हम कहते हैं अब जागरूक बनिए, जानकार बनिए, और अपने बच्चों को अपने परिवार को बचाना है इस तथित कथित हिंदूवादियों से, तो आप देश को एक नेक और कांग्रेस का साथ दीजिए, ताकि आने वाले समय पीढ़ी आपका कहेगा कि आप अंधभक्त बनकर किस तरह से ऐसे दुशासन करने वाला दुर्योधन के तरह आप उनका साथ दे रहे हो। जहाँ विनाश का बंगुल बज रहा है वहीं आप झंडा उठा के जयकार कर रहे हो। आप ये देखिए ना, उत्तर प्रदेश की जो घटना हुई है, घटनाक्रम कानपुर देहात की जो घटना है, दीक्षित परिवार के साथ जो ये घटना घटी है, योगी सरकार ने जो काम किया है, जो कार्य किया है, मुझे लग रहा है कि आप उसकी गतिविधियों से खुश नहीं है। देखिए, योगी सरकार कार्य जो किया है, जो घटना पर मुखदर्शी बनकर जिस तरह से उनके एसडीएम से लेके और पूरे अफसर वहाँ खड़े थे, और वो जब उसको ऐसा पीड़ित किए कि वो अपना आत्महत्या करने पर मजबूर, ऐसा क्यों नहीं बात समझाने से बना बुलडोजर नहीं चलाते, एक बार बैठ के चर्चा कर लेते, उसको कोई रास्ता बताते कि नहीं यहाँ घर नहीं, तुमको दूसरी जगह घर में, गरीब ब्राह्मण तो अवैध जगहों पर तो बुलडोजर चलेगा ना। देखिए, अवैध तो सरकारें अवैध चल रही है। अच्छा, भाजपा में इतने अवैध सरकार चल रहे, दूसरे की चुनी हुई पार्टियों को विधायक खरीद लेना, बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे हैं आप। अवैध सरकार मानते हैं, गोवा हो, मध्य प्रदेश हो, ये अवैध तरीके से सरकार चलाते हैं। अच्छा, अवैध तरीके से सरकार चलाने के बाद ये लोग बोलते हैं कि हम बहुत बड़ा धर्मार्थ वाले हैं, हम वसुधैव कुटुंब की बात करते हैं, हमको तो कहीं से नहीं लगता है कि नारी का सम्मान करते हों इस पार्टी में, वसुधैव कुटुंब का बात करें, नारी सशक्तिकरण का बात करें, करते हैं तो भाषणों में इनके अच्छा लगता है, कर्म इनका अच्छा नहीं है, क्योंकि वह साबित कर दिया है गरीब की बच्ची। और ये देखिए, ये बागेश्वर धाम, एक बाबा धीरेन्द्र शास्त्री युवा अभी हैं और चमत्कारी बाबा हैं वो, उनके बारे में क्या बोलेंगे आप? बहुत लोग देश में आए हैं, आपको ऐसे ऐसे चमत्कारी क्या वो प्रदर्शन नहीं किए, लेकिन बहुत त्याग तपस्या के ऊपर अपना दिखाया है हमारे उत्तर प्रदेश में ही, कई यानी अपने एक ही हाथ को ही पात्र बनाकर उसी से सबको यानी अवघट। देखिए ना, महायज्ञ चल रहा है हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, कहा जा रहा है हिंदू राष्ट्र भारत पहले था, है और रहेगा, घोषणा आनी बाकी है बस। धीरेन्द्र शास्त्री विचलित है, वो उसका जिस तरह से नागपुर में एक पर्दाफाश हुआ, हाँ। तो उसको टारगेट बनाया गया, भाजपा एक मुहिम के तहत बेचारे आरएसएस और भाजपा के चंगुल में फंस गया है, उसको हिंदू राष्ट्र हिंदी विचार ये तो सदियों से चला रहा है कि विचार जिसका मजबूत, जिसका धर्म है वो अपने विचार के हिसाब से जीता है। ये हिंदू राष्ट्र कहने वाले तथाकथित हिंदू चल जाते हैं जिन्ना के मजार पर मत्था टेकते हैं, बिरयानी खाने, केक काटने चले जाते हैं पाकिस्तान, ये तथाकथित हमारे आरएसएस वाले चले जाते हैं मौलाना के पास, मस्जिद में मिलने, मदरसे में पहुंच जाते हैं, ये चुनावी समीकरण बैठाने के लिए, हिंदुओं को धोखा देने के लिए हिंदू राष्ट्र की कल्पना कर रहे हैं। ये कल्पना कब तक होगा? 2024 तक, उसके बाद नया मुद्दा, पहले राम थे, अब राम का तो कोर्ट ने दे दिया कि राम मंदिर बन भी रहा है और उसके बाद वो ट्रस्ट वाले बना रहे हैं, तो अब इनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा। तो एक बेचारा धीरेन्द्र ब्रह्मचारी, वो बेचारे को जान लेने पर किस तरह से बेचारा वो युवा है, इतना बढ़िया पूजा पाठ बाबा का, हनुमान जी का, लोगों की समस्याओं का समाधान हो जाता है वहाँ, समस्या पीड़ा हर लेते हैं, वो बेचारे का पीड़ा खुद ही पीड़ित हो गया, ये भाजपा और आरएसएस के चक्कर में इतना पीड़ित हो गया कि आने वाले समय राजनीति का वो रस है राक्षस की तरह, जैसे जनता को न से नुकसान पहुंचाना तसे तिकड़मबाजी, ये भाजपा के राजनीति समीकरण में फंस चुका है, अब निकलने वाला नहीं है, क्योंकि हिंदू राष्ट्र का कोई कल्पना नहीं हो सकता। ये सभी धर्मों का भूमि है भारत, जिसे कहा जाता है भारत, ये सबका हिंदुस्तान में दिल बसता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जो इस देश की धरती को बचाने के लिए त्याग तपस्या बलिदानी दिया है, ये सबकी
चाहत का, सबका इच्छाओं का भारत है, ऐसे कुछ तथाकथित ब्राह्मण, तथाकथित भाजपा के प्रचारक, तथाकथित भाजपा के संबंध आरएसएस से संबंध रखने वाला बाबा, पहले भी आसाराम झासाराम आए, एक अब हरियाणा में देखते हूँ बार बार पेरोल पे छूट जाता है रेपिस्ट बाबा, और राम रहीम और कई बाबा आए जो रेप के केस में गए तो किसी केस में गए, इनका पर्दा खुल जाता है। ये भी बाबा कुछ दिन में अपने पर्दा को छुपाने के लिए अपना धर्म का एक आड़ में जिस तरह से जनता को धोखा देने के लिए, आप देखिए ना 121 परिवार की कल उनकी बेटियों की शादी कल करवा रहे हैं बाबा, बागेश्वर धाम सरकार भी कराते रहते हैं शादी, सब कोई कराता है, वो बाबा का कोई बड़ा कल्पना नहीं हुआ, बाबा ठीक है। तो कितने अच्छे काम कर रहे हैं महापुरुषों वाले, काम कर रहे हैं तो महापुरुष कहलाएंगे ना, बहुत धरती को बचाने वाला सबसे बड़ा महापुरुष को तो मोदी सरकार में गाली देते हैं, नेहरू जी को और गांधी जी को, गोडसे की विचारधारा वाले आरएसएस वाले 52 साल तक अपने कैंप में झंडा तक नहीं देश का फहराया, वो क्या जाने पीड़ा विनोद बाबू दूसरे के, एक राजा बाबू बन के बैठा है जो कभी चाय बेचा करते थे 2014 के बाद आज़ादी दिलाने वाले, जो नाखून तक नहीं देश के लिए कटा है, वो बुलबुल से चिट्ठी पहुंचाते हैं, बुलबुल से लाते हैं, वो इस तरह की कल्पना करने वाले, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी बेचारा एक बहुत बढ़िया विद्वान ब्राह्मण कुल में जन्मा पुजारी आदमी है, उसको इसमें नहीं फंसना चाहिए, देश के राजनीति बहुत गंदा है, और जिस तरह से भाजपा अपने उसको मुखौटे बनाकर जिस तरह से खेल रहा है पूरा लोग नेशनल चैनल पर उसको चमका, तो उन्होंने बोल तो दिया है मेरा किसी पार्टी से संबंध नहीं है, अरे वो कहने का कुछ है दिखाने का कुछ है, भाजपा जो कहती है वो करती नहीं, कहती है तो करती नहीं है, वो भाजपा की नीति और सिद्धांतों का एक मुखौटा है जो उठा रहा है पूरे नेशनल चैनल, आपके बात को राहुल गांधी जी के ये भारत जोड़ो यात्रा तक को नहीं दिखाता है, बड़े बड़े कांड हो जाता है, कहने नेशनल चैनल पर वो चला आपको कानपुर वाली घटना, वो चलता सिर्फ जनता के विश्वास को तोड़ने के लिए, ये धर्म का प्रोपगंडा बना के धर्म का जिस तरह से जहर पिलाया जा रहा है यहाँ सबका, आप देखिए ना एक अकेला शेर सब पे भारी है, अकेला सब पे भारी, सबका साथ सबका विकास, ये परिकल्पना लेकर चले थे, सबको नौकरी देने की बात कहे थे, खाते में 15 लाख देने की बात कहे थे प्रधानमंत्री जी, अब मुद्दा विहीन भाजपा को कुछ नहीं बचा, तो हिंदू राष्ट्र की कल्पना कर धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी क्या रामदेव और कई लोगों से मुस्लिम, अगर भारत हिंदू राष्ट्र बन जाता है तो उससे आपको परेशानी क्या है, देश में अगर हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो कोई दिक्कत है, हिंदू पहले मोदी जी हिंदू राष्ट्र के विरोधी थे, कभी उनकी भाषण उठा के सुन लीजिए, और पहले उन्हीं के सांसद कहते हैं रम में राम मिले, और क्या बोलते हैं भिस्की में विष्णु और जीन में दुर्गा मिले और थर्रा में हनुमान, जय श्री राम, इस तरह का भाषा का प्रयोग करने वाली भारतीय जनता पार्टी के कुछ सांसद और कुछ विचारधारक, कभी उनके निषाद एक मंत्री हैं उत्तर प्रदेश में, वो भी राम के खिलाफ बोल देते हैं, तो अपने को ये लोग अपने को गंगा का पवित्र जल छिड़क कर पवित्र कर देते हैं, अगर यही कोई बोल देता है, कभी कहता है कि तुलसीदास का लिखा हुआ रामचरितमानस पर कोई चर्चा कर देता है तो उस पर बवाल खड़ा हो जाता है, उसको नेशनल चैनल पर डेली उसके खिलाफ एक षड्यंत्र रचा जाता है, वही धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी को इस समय चैनलों पर चमकाया जा रहा है, इसलिए कि भाजपा का मुखौटा आरएसएस का मुखौटा कोई है नहीं, वो बेचारे को इसलिए मुखौटा बनाकर लोगों को भ्रमित करने के लिए उसके कर्मों को सामने लाया जा रहा है, और न यज्ञ से होगा न प्रतिज्ञा से होगा, ये हमेशा से कल्पनाओं का नहीं, सबका साथ सबका सहयोग, शरीर सब धर्म का भारत है, वही सब धर्मों का एकता और अखंडता का भारत एक आगे में प्रयोग कर रहेगा, विश्वास कभी टूटेगा नहीं, यहाँ संविधान चलता है, यहाँ शस्त्र और शास्त्र नहीं चलता।